आज आपको अम्मी 10 बजे 10:15 बजे उठी हुई मिलेंगी, क्योंकि नाजो की कर दी शादी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मामा सुबहान को तो जाना था, तो अब कौन बना के दे नाश्ता मामा सुबहान को। नाजो ने बहुत नाश्ता कराया मामा सुबहान को, माशाल्लाह नाजो ने बहुत नाश्ता कराया मामा सुबहान को। तो मैं उठ गई, मैं मां कहने लगी अम्मी मैं बाहर से कर लूँगा, तो ऐसे वैसे बाहर से कर लेंगे जब अंदर रखे अम्मी है। तो मैंने कहा नहीं मैं बना के दे दूँगी। अच्छा फिर डिमांड भी बड़ी होती है इनकी, ये कहते हैं काली मिर्ची वाले पराठे बनाए, ये मैंने मामा सुबहान के लिए घी माशाल्लाह घर में निकाला है, अब ये कहते हैं काली मिर्ची के पराठे बनाए, तो ये मैं काली मिर्ची का पराठा बना रही हूँ। इस तरफ चाय चढ़ा दिए, सुबह के 10 बज रहे हैं। आज अम्मी मेरे ख्याल से 35-36 साल बाद सुबह इतनी जल्दी उठी है, अम्मी इतनी जल्दी उठती नहीं है, इतना टाइम हो गया है। और ये जो है ये देखे नाजो का रूम कैसा शाय शाय मार रहा है, याद कर रहा है मुझे साफ सुथरा। बस ये नाजो के निकाह के छुआरे थे, ये नाजो के निकाह के पैकेट थे, और ये नाजो का सामान वामान सब चला गया। नाजो चली गई अपने घर माशाल्लाह। नाजो की शादी का व्लॉग तैयार हो रहा है, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार है, तो इसलिए जो है ना वो इसलिए बस है ना दिखाने में तैयार हो रही है, ब्लॉग भी तैयार हो जाएगा। तो मैंने कहा हम अपना ये वाला रूटीन तो नहीं ख़त्म करें ना, अब आपकी अम्मी रोज आपको सुबह ये एक पराठा तो माशाल्लाह इनका तैयार हो गया, ये दूसरा पराठा बन रहा है। पराठा में मजबान दो खाते हैं, मगर बहुत पतले पतले छोटे छोटे खाते हैं, ज्यादा बड़े और मोटे तगड़े वाले पराठे नहीं खाते, मगर ये खिला के अपने बच्चों को घर से भेजना चाहिए। नाश्ता तो माएँ देती हैं, मगर नाजो देती थी, अब नाजो की कमी तो मुझे बहुत महसूस हो रही है, मगर अल्लाह का शुक्र है उसको अपने घर भी जाना था, तो अल्लाह का शुक्र है अपने घर चली गई माशाल्लाह। हमने उसकी शादी कर दी, अब देखिए चाय पूरी तरह खोल रही है इस कदर, और ये मामा सुबहान के पराठे तैयार हो रहे हैं। हमारे यहाँ चाय जो है वो एवरीडे की बनती है, हम लोग फ्रेश मिल्क नहीं पीते, मतलब चाय के लिए नहीं पीते, दिल नहीं चाहता। और मोहम्मद सुबहान तो बड़ी ब्राउन सी चाय पीते हैं, तो दिल ही नहीं चाहता कि चाय में जरा सी भी चाय की रंगत गोरी हो, बस सिर्फ चाय उसको गोरी नहीं अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि अब इसको माशाल्लाह जाना है, और बारिश ने तो भाई बहुत क़यामत जैसा किया है, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह रहम करे हमारे हालों पर, बहुत बारिश ने मुश्किलात पैदा की है। तो ये चाय निकाल दी, चाय का कलर देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे हमारे खानों में, आमीन। तो हमारी चाय का रंग देखे कितनी खूबसूरत आई है। अभी मामा सुबहान को नाश्ता दे देती हूँ, मामा सुबहान नाश्ता कर ले, मगर मामा सुबहान को अपने नाश्ते से पहले एक नाश्ता किसी और को भी करवाना है। लाइट ये मामा सुबहान ने चूजे लिए थे कि मैंने मंगाए थे मामा सुबहान से, अब मैं व्लॉग में ये कहना चाह रही हूँ कि जिसको ये चूज़े चाहिए वो आके मेरे से ले जाए, क्योंकि मैं खिदमत नहीं कर सकती। अब नाजो चली गई है, मुँह देखे मेरे हाथों में मार रहे हैं ये, और ये खाना मांग रहे हैं, ये खाना मांग रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि अम्मी निकाल लें हमें, ये खाना मांग रहे हैं, मैं इनको खाना दे रही हूँ। ये डबल डबल ड्यूटी हो गई है मेरी, सुबहान को भी दूंगी और इनको भी दूंगी, और जिसको ये चूज़े चाहिए ब्लॉग में मुझसे कह दे और आके ले जाइए। आज बेचारे अब्बू को भी उठना पड़ेगा, वरना मेरे साथ 12 बजे उठ रहे थे। आज इनका ये खुश नसीब दिन, आज ये खुश होंगे कि आज मैं सुबह उठ गया, ये उठ के भी लेटे रहते थे कि नुसरत उठेगी तो मुझे नाश्ता देगी, मगर बस मेरी आंख ही नहीं खुलती है, मैं तो मजबूर हूँ, मगर आज से अल्लाह ताला ने मेरी मजबूरी दूर कर दी। अब मैं सुबह उठ के अपने बेटे को भेजूंगी इंशाल्लाह ताला, और आपके अंकल को भी नाश्ता आश्ता दूंगी, बस अंकल को अब मैं उठाऊंगी ऐसे करके, देखे देख नहीं सकते है ना खुद, तो इसलिए उठाना पड़ता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वॉशरूम वगैरह खुद चले जाएंगे। और ये देखे बाल कैसे
मेजी बेबी में आता था ना, बच्चे के बाल ऐसे बने में देखे, ये मेरा बेबी है, बेबी उठ गया सुबह सुबह सिर्फ चाय के लिए उठे और सिगरेट के लिए उठे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। अब मजबूरन मुझे भी इस वक्त नाश्ता करना पड़ रहा है, वरना मैं 12:30 एक बजे नाश्ता करती हूँ। तो एक पराठा मैंने बनाया, आधा पराठा मेरा और आधा पराठा ये अबू का। अबू भी नहीं करते इतनी सुबह नाश्ता, मेरे साथ ही करते थे। ये आ रहे हैं अबू आपके, बैठ जाए, ये ले चश्मा। और ये अबू का पसंदीदा ये पियेंगे ज़रूर। और ये अबू का नाश्ता, आधा पराठा एक कप चाय, आधा पराठा एक कप चाय, क्योंकि हम मैं तो खा ही नहीं सकती इतना सारा। और फिर मोहम्मद सुमन चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला, देर भी हो रही होगी इनको, ये अपना नाश्ता कर लें। और तुम बताओ भाई, नाश्ता इतनी सुबह सुबह आज मिल गया, बताओ नुजर ने दे दिया, बताओ सब लोग को आज सुबह सुबह नाश्ता मिला है। नाजो चली गई, नाजो बताओ चली गई, नाजो चली गई अपना ससुराल। जिंदगी में पहली दफा मिला है ना सुबह सुबह नाश्ता। हाँ, 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 नहीं जिंदगी में नहीं, बोलो पहले हम करा के खिलाते थे इन लोगों को, पहले हम ठीक थे तो हम कराते थे नाश्ता इन लोगों को, बच्चों को भी स्कूल हम भेजते थे और बच्चों को स्कूल हम ले जाते थे, हम भेजते थे तैयार करा के। आज बच्चे भी जवान हो गए माशाल्लाह, शादियां हो गई बच्चियों की, अल्लाह रखे। अब बस मैं और फजल और सुभान है घर में। दादा हाँ, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है इतनी सुबह सुबह नाश्ता कर रहे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं अल्लाह ना, अजीब सा महसूस हो रहा होगा। हाँ, आज तो अजीब सा तो लग रहा है, अजीब सा तो लग रहा है इतनी सुबह सुबह, यकीन आने खाया भी नहीं जाएगा। बस बहुत नाजो याद आ रही है, बहुत अल्लाह ताला नाजो के नसीब बहुत अच्छे करे। नाजो ने बहुत ऐश कराए, मतलब मुझे उठने नहीं दिया सुबह कि नहीं अम्मी आप सोती रहें, खुद भी ऑफिस चली जाती थी और हम लोगों मैं और अबू सो रहते थे और सुबह उनको नाश्ता दे देती थी। माशाल्लाह 4-5 महीने हो गए, 6 महीने के करीब, 5 महीने करीब ना सुबह की जॉब को हो रहे हैं, तो वही नाश्ता देती थी अपने भाई को करा के और ऑफिस चली जाती थी। मगर अब तो आज कल तो मौसमान ऐसे ही चले गए थे, बरसात भी बहुत थी, सैटरडे को नाजो की शादी हुई है, मगर अब आज पीर है तो मैंने बोला कि ना सुबह कह लेंगे अम्मी मैं बाहर से कर लूँगा, मैंने कहा नहीं बाहर से नहीं करना, मैं दूंगी नाश्ता। तो अब ये नाश्ता माशाल्लाह कर रहे हैं, तो ये नाश्ते का व्लॉग बनाया है हमने। अब ये देखें ज़रा, सिगरेट और चाय साथ साथ, ये देखें आप ज़रा इनकी शैतानी देखें, देखें चाय ये है अभी पड़ी और मेरा ब्रेकफास्ट एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्लाह ताला का कि नाश्ता ख़त्म। ये सोनिया से मैंने बात की, मैं समझी ऑफिस होगी तो कहने लगी कि आज मेरी छुट्टी है, आज मेरी छुट्टी है, छुट्टी है, सब कुछ बंद कह रही है। ये देखें ये उठ गई है, ये भी माशाल्लाह, और ये अपने अबू से बात कर रही है। यार तो इतनी जल्दी जाने क्या जरूरत थी? नहीं नहीं गई, कह रही है छुट्टी है, कह रहे हैं हैदराबाद से। नहीं तो वो पता थोड़ी था, बारिशें हो गई। अब ये कह रहे हैं कि ना शादी में नाजो की आए और इतनी जल्दी क्यों चली गई, तो चली तो ये इसलिए गई, चले अल्लाह हाफिज़ सो रही है, चले अल्लाह हाफिज़ सो रही है। और हमारी नेमी भी सो रही होंगी, नेमी की मम्मी भी सो रही होंगी, नाजो भी सो रही होंगी, बिल्डिंग में सभी सो रहे होंगे, मगर हमी है जो शायद, मगर हमारा स्वीपर आ गया है और पूरी चाली को साफ ऑफ कर रहा है, पोछा लगा रहा है अभी, और मैं भी अब काम पे लग जाऊंगी। कल मैंने कपड़े धोए थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसको उतारूंगी, उसको तैवे करूंगी, मैं भी काम पे लग जाऊंगी। और बस ये बात है, अब आप लोग बताएं आप लोग सब कैसे हैं, बारिश के मज़े बताएं। हमारे यहाँ कल इतनी बारिश हुई है, इतनी मतलब स्वीपर आ गया कचरा लेने, कचरा मेरा नहीं होता। ये आपकी बोतल लेके रह गई थी मेरे पास, ठीक है ये आप ये बोतल ले लें, और आज मुझे ना पानी नहीं चाहिए, पानी भरा हुआ है। हाँ ये मामू ने सही कहा है कि एक बोतल ले लें, कब ले ली दो दिन। हाँ हाँ मामू ये बात बिल्कुल मामू ने सही कही है, अंदर रख दीजिए। हाँ एक बोतल अंदर, हाँ नहीं नहीं ये बात बहुत अच्छी बोली आपने, हाँ बेटे रख दें, ठीक है चलिए। हाँ मामू ने भी ले ली बात, मामू ने बहुत अच्छी बोली है,
और ये पानी ले लिया है। अब रख के सुबह नहीं जाएगा, मैं नहीं रखूंगी। रख के सुबह नहीं जाएगा, मैं नहीं रखूंगी। मेरे से उठाया नहीं जाता है। और ये टाइम हो गया देखे माशाल्लाह, अब मोहम्मद सुबहान के जाने का टाइम हो रहा है, इसलिए इसको छुट्टी दी जाए। और फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग हो सकता है रात को भी मिल लें, हो सकता है अगले व्लॉग में मिले। तो इसके साथ ही आपके साथ अलविदा कहते हैं, और अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए खास दुआ कीजिएगा, मेरा व्लॉग देखने से पहले माशाल्लाह बोल दिया कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। नाजो ये बड़े मज़े से कहती थी, अभी नाजो बहुत मुझे आज याद आ रही है। फिर हम इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, हम तीनों दिखाएं अबू को, अबू मोहम्मद सुबहान अपने आप अपने आप को दिखाएं, मोहम्मद सुबहान और अम्मी। फिर आपसे मिलती हैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग के साथ यहीं अल्लाह हाफिज़ करते हैं, व्लॉग का दरवाज़ा बंद करते हैं। प्यार मोहब्बत दीजिएगा, प्यार मोहब्बत लीजिएगा। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, अल्लाह ताला मुझे भी खुश रखे। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा, बरसात में बाहर नहीं निकलिएगा। अगर बच्चे आपके छोटे हैं और बाहर निकलते हैं तो पोल ओल को ना छू लें। कल मेरे पास एक वीडियो आई थी, मेरी देवरानी ने वीडियो भी जब मुझे भेजी थी, बहुत ख़तरनाक वीडियो थी। बस वो बच्चा, उसने पोल को हाथ लगाया, वो बच्चा गिर गया, चौकीदार आया, उसने डंडे से उस बच्चे को अलग किया। अब अल्लाह जाने वो बच्चा है या नहीं है, अल्लाह जानता है, मगर जिसका गया है उसके दिल से पूछो। तो अपने बच्चों को बिल्कुल नीचे ना, अगर नीचे के घर हैं तो ताला लगा के रखें, ऊपर के घर हैं तो नीचे बिल्कुल जाने ना दें, क्योंकि बारिश है। सुबहान इतना बड़ा है माशाल्लाह, मैं इसको भी यही कह रही हूँ कि मोहम्मद सुबहान अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, पोल नहीं छू लीजिएगा, गटर देख के जाइएगा। कराची में देखें पिछली दफ़ा कैसा हादसा हो गया था, एक माँ और बेटा, छोटा सा गोद का बेटा बह गए थे, उसकी गाड़ी खड्डे में गिर गई थी स्कूटर, वो दोनों माँ बेटे बह गए थे, बाप अपनी बेटी को अकेले तनहा लेके वापस अपने घर गया। तो अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। इस व्लॉग के साथ मैं यहीं अल्लाह हाफिज़ आप लोगों को कहती हूँ, मेरा बहुत प्यार आप लोगों को, दुआ भी, और बारिश के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह अपनी रहमत को बस रहमत ही बनाए हमारे लिए। जहमत हो जाती है, गरीब लोग हैं, पता नहीं कैसे बैठ हैं, रहते होंगे, सबका ख्याल करना पड़ता है ना, सफ़र है लोगों के। ठीक है, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।